देखिए, हम लोग लक्ष्य ट्रॉफी क्रिकेट जो टूर्नामेंट है उसके विषय में बातचीत करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। और हम लोग बातचीत शुरू करें इससे पहले मैं आप सबसे परिचय करा देना चाहता हूँ। लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी से आप लोग भली भांति परिचित हैं। पिछले 15 वर्षों से गोरखपुर और इस समीपवर्ती अंचल में खेल के विकास, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, उनको संसाधन मुहैया करने और उनको अवसर मुहैया करने के लिए लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी निःशुल्क काम कर रहा है। और इसने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खेल प्रतिभाओं को यहाँ पर अवसर प्रदान किया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन, योगदान है लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी का। अखिल भारतीय स्तर पर एक हर साल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराना। हम लोग उसी प्रतियोगिता के बारे में बातचीत करेंगे। और मेरे साथ लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के सचिव डॉक्टर त्रिलोक रंजन जी हैं, उपाध्यक्ष संतोष त्रिपाठी जी हैं और संयुक्त सचिव डॉक्टर मुदित गुप्ता जी हैं। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि हर साल की तरह इस साल लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के तत्वावधान में 8वीं ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 3 मार्च से शुरू हो रहा है। ये प्रतियोगिता 3 मार्च से शुरू होगी और 10 मार्च तक चलेगी। जिसके फाइनल मुकाबले हैं वो 10 मार्च को खेले जाएंगे, सेमीफाइनल मुकाबले 9 मार्च को खेले जाएंगे। और ये प्रतियोगिता लीग आधार पर खेली जाएगी और T20 प्रतियोगिता है जिसमें 20-20 ओवरों के सीमित फॉर्मेट में ये प्रतियोगिता खेली जाएगी। दो तीन बातें इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं जो इसकी विशेषता है। एक तो ये कि ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता है, प्रदेश की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि वाली प्रतियोगिता है, इसको मंडलीय क्रिकेट संघ से भी संबद्धता हासिल है। और ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसकी इसलिए बहुत प्रतिष्ठा है इस आयोजन की क्योंकि ये पूरी तरह से बीसीसीआई के मानदंडों पर आयोजित की जाती है, बीसीसीआई के अंपायर्स की निगरानी में की जाती है। और जैसा कि एक अच्छी खेल प्रतियोगिता में होना चाहिए, इसमें एक थर्ड अंपायर की व्यवस्था है, इसका सीधा प्रसारण होता है। तो इन सारी खूबियों की वजह से बहुत कम समय में लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के स्तर पर एक अपनी पहचान बनाई है। और हर साल इसमें बहुत अच्छी टीमें और बहुत अच्छे खिलाड़ी, जिनमें से बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं या जो आईपीएल के टूर्नामेंट खेल चुके हैं, इस साल भी हमारे पास कुछ ऐसे खिलाड़ी आ रहे हैं जो अब तक हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक अमित उनियाल आ रहे हैं जो राजस्थान रॉयल्स से और पंजाब से आईपीएल टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करने वाले उपेंद्र यादव आ रहे हैं जो इंडिया ए से भी खेल चुके हैं। इसके अलावा वरिंदर सरन जो भारतीय क्रिकेट टीम का भी हिस्सा रहे हैं, उनके भी इस टूर्नामेंट में आने की संभावना है। सारुल कंवर मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं, वो भी आ रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के एक और खिलाड़ी हैं फैजान आलम, उनकी भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो क्रिकेट प्रतियोगिता में मौजूद रहेंगे। समीर चौधरी इंडिया ए से खेल चुके हैं, वो आ रहे हैं। और राजस्थान रॉयल्स के अंकित शर्मा खेल रहे हैं। इसके अलावा कई रणजी प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले या विभिन्न स्तरों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी भी यहाँ आ रहे हैं।